think we can all have a seat. Yeah, we can all sit down. दोस्तों, मुझे जितना बोलना था वो सब कुछ जो है वो नाना जी ने बोल दिया है ऑलरेडी. और सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो नाना जी बार बार बोल रहे थे कि ये हमने सब प्लान किया है, लिख के आए हैं, मेरे यकीन जानिए ऐसा कुछ नहीं है. और मुझे बहुत ही खुशी हुई जब नाना जी ने जिस तरह फिल्म के एक्सपीरियंस को लेकर बातें की है वो उन्होंने दिल से की और इसीलिए हम लोगों के दिल तक पहुँची है. ये जो फिल्म है ये बहुत जल्द रिलीज होगी 4 सितंबर को और इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है ट्रेलर जो है आप लोगों ने देखा. मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा. और बाकी जो है ये जब फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगी. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. आई नो आप लोगों के भी जहन में बहुत सारे सवाल होंगे तो अभी यू पीपल कैन शूट. वेलकम बैक की पूरी टीम को मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन. दिस इज सिमरन सिंह फ्रॉम बॉलीवुड नजर. यहाँ पे एकदम यहाँ पे जी. मेरा सवाल है जॉन अब्राहम से. जॉन सर, शूट आउट ऑफ बटाला के बाद आप फिर से यू नो भाई के अवतार में आए हैं और इस बार भी आपके सामने अनिल कपूर होते हैं. इस बार थोड़ा फनी वे में भाई बन रहे हैं तो इस केमिस्ट्री के बारे में आपको क्या कहना है और अपने रोल के प्रेपरेशन के बारे में आपको क्या कहना है? जी, एज द रोल इज कंसर्नड, ये एक भाई का रोल है जैसे आपने कहा, इट्स अ कॉमेडी फिल्म. और इस रोल में जितना भी कुछ मैंने किया इट्स थैंक्स टू मिस्टर अनीस बज़मी. अनिल सर के साथ जो मेरा केमिस्ट्री है वो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वी वर्क टुगेदर इन शूट आउट एट बडाला. और नाना सर के साथ टैक्सी 9-11 में, परेश सर के साथ गरम मसाला और एक और फिल्म में, सो केमिस्ट्री इज़ रियली स्पेशल. और इन सबसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है एंड क्रेडिट तो सिर्फ अनीस भाई को देना चाहता हूँ बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने मुझे इसमें गाइड किया आई थिंक दिस रियली रियली स्पेशल. फिरोज जी, मेरा आपसे सवाल है. ऐसा खबरें आई हैं कि जो मूवी है, भले हमने ट्रेलर में देखा सितंबर 4 को रिलीज हो रही, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि आप शायद पोस्टपोन करने वाले हैं सितंबर 11 को जस्ट टू अवॉइड क्लैश विद हीरो. कितनी सच्चाई है इस बात में? वी आर कमिंग ऑन द 4th ऑफ सितंबर, दैट्स कंफर्म एंड दैट्स ऑल आई कैन से फॉर अस. एंड आई वुड रिक्वेस्ट द मीडिया वी रिस्पेक्ट द क्वेश्चन जस्ट टू वेलकम बैक दिस. बट एज़ फॉर द मूवीज रिलीज डेट इज कंफर्म, वी डेफिनेटली ऑन 4th. माय क्वेश्चन इज मिस्टर बाजमी, why is Akshay not a part of the sequel? अक्षय, ये जो फिल्म जो है अपने आप में कंप्लीट फिल्म थी, वहाँ ख़त्म हो गई. वो रोल जो है अक्षय जी का जो था वहाँ पर, अक्षय एंड कैटरीना एंड मल्लिका, ये तीनों के रोल वहाँ ख़त्म हो गए थे. ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से जो फिल्म शुरू होती है उसमें जो हीरो है वो अक्षय हो ही नहीं सकते थे, इसलिए कि पहली फिल्म में वो थे वो शरीर से इंसान. इसीलिए जो हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि इसमें जो बेस्ट नज़र आएंगे और इस तरह का रोल जो है वो उसके साथ पूरा इंसाफ कर सकेंगे वो है जॉन. एंड जॉन ने बहुत ही खूबसूरत काम किया. श्रुति आना चाह रही थी, उसने बहुत कोशिश की बट उसकी शूटिंग है दुबई में. लेकिन जो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम रखेंगे उसमें श्रुति, डिंपल जी, परेश भाई एंड नसीर भाई, ये सारे लोगों को आप मिल पाएंगे.